सबसे खास बात ये बताइए, जो जो ये कंप्लेन आपने दिया है इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिखा हुआ है, संजय सिंह का भी नाम लिखा हुआ है, और आपने एसीबी को एक कमेटी बनाने की बात कही है, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का नाम तो इसलिए आएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के वो राष्ट्रीय संयोजक है और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है और उसकी पार्टी का सांसद इस प्रकार की बातें कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल इससे बरी नहीं हो सकते। शिकायत में क्या कुछ दिया आपने? शिकायत में दिया है कि मेरा टेलीफोन आप जांच करें, क्योंकि उन्होंने जो कहा है संजय सिंह ने कि मैं पुलिस कमिश्नर से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें गिरफ्तार किया जाए, तो मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं। कब कहा था और क्या कहा था ये थोड़ा संक्षेप में बताइए। उन्होंने एक पहले ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद उन्होंने एक पीसी की, पीसी के अंदर ये आरोप लगाए कि भाई योगेंद्र चंदोलिया ने हमारे पार्षदों से बातचीत की और उसमें उनको करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ देने की पेशकश की, ये बेबुनियाद बातें हैं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। इसलिए मैंने एसीपी साहब को ये कहा है, एसीपी को ये कहा है मधुर वर्मा जी को कि आप जब चाहे मुझे बुलाएं, मेरी कंप्लेंट आप ले लें। और कोई दूध का धुला नहीं, आप उनके तोड़ रहे हो, वो आपके तोड़ रहे हैं। अगर हमने ये मेरे अलावा अगर कोई तोड़ने की बात कहीं आई होगी तो वो जाने, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की। तोड़ने का प्रयास तो वो लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा नंबर होने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। अच्छा, तो ये थे योगेंद्र चंदोलिया, साफ तौर पर इन्होंने आरोप लगाया है और एंटी करप्शन ब्रांच में यहाँ पर उन्होंने इस बाबत शिकायत भी दे दी। अब देखना यह है कि इस पूरे मसले पर जो ब्यूरो है वो क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन अंकित के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।